नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने डीपी में लगाया तिरंगा, बाकी सबसे भी किया अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने का आह्वान। सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम और मिजोरम के बीच आज आइजोल में होगी बैठक। सीमा विवाद में मिजोरम के 3 जिले शामिल। केरल के वायनाड में सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। लोगों ने जवानों को दी भावपूर्ण विदाई। अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों जिंदगियां बचाने वाले भारतीय सेना के प्रति जताया आभार। 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा सेंटर अलॉट नहीं किए जाने जैसी कई परेशानियों का दिया गया हवाला। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगी शामिल। यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते के लिए होंगी रवाना। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाइयों का तांता। आज अमन सहरावत से कुश्ती में कांस्य पदक की उम्मीद। वहीं विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल देने की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का फैसला आज। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि पुणे से आईएसआईएस का आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिजवान अली नाम के आतंकी को पकड़ लिया, तो बड़ी सफलता मिली है दिल्ली पुलिस को। यह आतंकी एनआईए का मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और इस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पकड़ा जा चुका है आईएसआईएस का एक आतंकवादी और नाम है इसका रिजवान। आपको बता दें कि पुणे से पकड़ा गया है रिजवान और रिजवान पे एनआईए ने 3 लाख का इनाम जो था वो घोषित किया था और आज रिजवान को पकड़ लिया गया है। तो 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। और फोन लाइन पे हमारे साथ नीरज सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, 15 अगस्त से पहले आईएसआईएस का आतंकवादी गिरफ्तार, एनआईए ने इस पर 3 लाख का इनाम किया हुआ था घोषित। किस मॉड्यूल का था ये आतंकवादी और क्या कोई हथियार भी इसके से बरामद हुए हैं? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सफलता है और स्पेशल सेल की। और ये आतंकवादी जो रिजवान नाम का आतंकवादी है ये पुणे मॉड्यूल का है और इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बताते हैं कि इस आतंकवादी के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई है, इसके अलावा 3 जो कार्टेज हैं वो बरामद हुए हैं। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके की रैकी इस व्यक्ति ने कर रखी थी और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों के साथ इसके संपर्क भी थे। आईएसआईएस मॉड्यूल का ये आतंकवादी है, दिल्ली के अंदर किसी बड़ी वारदात को करने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इसके दूसरे जो साथी हैं उनकी भी जो तलाश है वो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो कर रही है, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके कई सारे जो साथी हैं वो भी दिल्ली के अंदर मौजूद हो सकते हैं और दिल्ली में कोई बड़ी वारदात करने का इनका लक्ष्य था। यही कारण है कि आप देखें कि इन्होंने वीवीआईपी इलाकों की रैकी भी की थी, उसकी तमाम जो जानकारी है रिजवान के पास भी मौजूद है और रिजवान खुद पढ़ा लिखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2018 में भी इस रिजवान को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद इससे लंबी पूछताछ हुई थी, कई सारे इसके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया था स्पेशल सेल ने। और इस रिजवान के ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं, महाराष्ट्र के अंदर इसके ऊपर मामला दर्ज है। 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी इसके ऊपर मामला दर्ज किया था और उन दोनों ही मामलों की जो जांच है वो एनआईए कर रही है। 3 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने इस आतंकवादी के ऊपर घोषित किया था, तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है। और गणतंत्र दिवस से पहले आप देखें कि जिस तरीके से इसको गिरफ्तार किया है वो अपने आप में बताता है कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी चुनौती पर पार पाया है और इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। अब इसके जो दूसरे साथी हैं उनकी जो तलाश है वो दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले अगर आतंकवादी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये संदेह है कि दिल्ली के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जी नीरज, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान की।
हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, पूरे गौरव और उत्साह के साथ हम आजादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मौका है हर घर तिरंगा अभियान का, जो आज से शुरू हुआ है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आह्वान किया है कि वो हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ें। और जी हां, आप अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं कि आप किस तरीके से मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान। बढ़ते आगे, तिरंगे की शान ही निराली है। आजाद भारत से पहले भी तिरंगे के कई स्वरूप रहे हैं, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने एक वीडियो के जरिए साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। उधर इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर शिंदे मंत्रिमंडल के कई सहयोगी भी नजर आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभियान में लोगों के व्यापक भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी संकल्पना से हर घर तिरंगा ये अभियान शुरू हो गया। आज ये अभियान इतना बड़ा हो गया है कि ये एक क्या कहते हैं, क्रांति के रूप में हम देख रहे हैं। और ये तिरंगा झंडा हर एक के हाथ में हम देख रहे हैं। ये 9 तारीख से 15 तारीख तक ये सभी घरों पर, दुकानों पर, सभी शासकीय बिल्डिंग पर, निम शासकीय बिल्डिंग पर, सभी प्राइवेट बिल्डिंग पर, यहाँ पर 2.5 करोड़ ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराए जाएंगे। और हमारे युवाओं में, हमारे नागरिकों में एक राष्ट्र भावना, एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी, उनको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हर घर तिरंगा ये अभियान बहुत ही लोगों के लिए, हमारे देशभक्त सभी तमाम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अगस्त क्रांति मैदान स्थित स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, सभी से अपील की और साथ ही साथ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी आंदोलन ने
ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किताबें छोड़ दी। अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा जोड़ करके देखें तो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 में था। 1857 से 1942 तक की इस परिश्रम ने, इस आंदोलन ने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि 1942 इसकी चरम सीमा पर पहुंचा और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है फिट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन फिट इंडिया, डायनेस्टी फिट इंडिया, अपीजमेंट फिट इंडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे वाह, लेजेंड की बेल्ट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बेल्ट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लंबित सीमा विवाद के समाधान के लिए मिजोरम और असम आज मंत्रिस्तरीय वार्ता करेंगे। यह विवाद औपनिवेशिक काल के दो परिसीमन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत 1875 की अधिसूचना और 1933 के भारतीय मानचित्र सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। सीमा विवाद में मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिव और ममित शामिल हैं, जो असम के कछार, करीमगंज और हेलाकांडी जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ये बैठक आइजोल में होगी, जिसमें मिजोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री के सबदांगा और असम के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा करने वाले हैं। मिजोरम में मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के नेतृत्व में जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM की सरकार बनने के बाद से दोनों राज्यों के बीच यह पहली सीमा वार्ता होगी। और अब खबर केरल के वायनाड से। केरल के वायनाड में लोगों ने भारतीय सेना को भावपूर्ण विदाई दी है। वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान में दिन रात जुटी भारतीय सेना ने कई लोगों की जान बचाई है। अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले इन बहादुर सैनिकों के प्रति शहर के लोगों ने आभार जताया। भारतीय सेना के साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो केरल के वायनाड के लोगों ने सेना का धन्यवाद दिया, लोगों ने सेना के साहस को सलाम किया और सेना में जिन सैनिकों की मृत्यु हुई है उनको भावपूर्ण विदाई दी। आपको बता दें कि केरल के वायनाड में जिस तरीके से भूस्खलन आया था और कई सैकड़ों लोगों की जान गई और सेना के साहस ने कई लोगों की जान बचाई भी और इसी सेना को सलाम किया केरल के वायनाड के लोगों ने। बात कर लेते हैं अब संसद के बजट सत्र की। संसद में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल बहस के बाद फिलहाल JPC को भेज दिया गया है। इस बीच बिल को लेकर अयोध्या जनपद के स्थानीय मुस्लिमों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि वक्फ में संपत्तियों को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जिस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की दरकार है। सरकार ने अगर कोई विधेयक लाके और वक्फ बोर्डों पे अंकुश लगाना या वक्फ बोर्डों के भ्रष्टाचारों को अंकुश लगाना
या ये सब विचार अगर ईमानदारी वास्तव में है ऐसा तो स्वागत योग्य है। कायाकल्प किया जाएगा, उसका जो उद्देश्य है उसको बरकरार रखते हुए, तब तो संशोधन और जो नया कानून है वो स्वागत योग्य है। वही दरगाह शरीफ के खादिम ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि संपत्तियों की सुरक्षा और उसी के साथ सदुपयोग की व्यवस्था के लिए कोई नियम बनाया जा रहा है तो उसका स्वागत है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं जो कानून आ रहा है इसका स्वागत करता हूँ, और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भ्रष्टाचार है कि वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने के बजाय उनको खुर्दबुर्द किया जा रहा है, जिसमें चेयरमैन वगैरह सब शामिल हैं, और अयोध्या की तमाम संपत्तियां जो सुरक्षित होनी चाहिए थी, तमाम सूचना दी गई लेकिन वक्फ बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अयोध्या के रहने वाले शानदार रिजवी ने इस मामले में कहा है कि उन्हें सिर्फ भाजपा से ही उम्मीद है कि वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए सकारात्मक और प्रभावी नियम बना सकती है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, वक्फ संपत्तियों को गायब होने की बात है, खा लेने की बात है, निजी प्रयोग में ले लेने की बात है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी अर्ज यही किया कि कोई विधेयक, कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे वक्फ संपत्तियों को बचाया जा सके। वक्फ की प्रॉपर्टी तो एज ए होल बर्बाद हो ही रही है, और इस पर गवर्नमेंट ने अगर सही ढंग से कुछ ना लगाया तो सबका सब बर्बाद हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जिंग पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में 12 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीते कुछ सालों में राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि उसके अनुपात में पहले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं हुआ करते थे, मगर अब जयपुर समेत कई शहरों में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। जयपुर में भी मैं जिस जगह मौजूद हूं वहां पर 12 वाहन एक साथ चार्ज हो सकते हैं, यानी कि ऐसे भी कैपेसिटी वाले अब चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनने लगे हैं। इससे वाहन चालकों को खासी राहत मिलने लगी है। जयपुर में बना राजस्थान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, एक बार में 12 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चार्जिंग इंफ्रा को डेवलप करने से अधिक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ने से पर्यावरण को होगा काफी फायदा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर राज्य सरकार की ओर से रियायत दी जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन में लिए जाने वाला शुल्क माफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार रियायती दर पर बिजली दे रही है। निजी कंपनी जोबाल्ट द्वारा स्थापित इस चार्जिंग स्टेशन पर टू व्हीलर, फोर व्हीलर और इलेक्ट्रिक बसें चार्ज हो सकती हैं। कंपनी के मालिक योगेश मेहरा बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना जरूरी हो गया है। इस चार्जिंग स्टेशन पर 4 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां एक बार में 9 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर चार्ज हो सकते हैं। इसके अलावा 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए स्लो चार्जिंग के लिए भी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमारे यहां पे ऑलमोस्ट 12 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो मल्टीपल कार्स जो हैं वो आके एक साथ चार्जिंग कर सकती हैं। एक गाड़ी अगर चार्ज हो रही है तो उसको लगभग आधे से एक घंटा लगता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितना चार्ज करना चाहते हैं। फुल चार्ज करने में लगभग एक से सवा एक घंटा लगता है। जयपुर के अजमेर रोड पर स्थापित यह चार्जिंग स्टेशन अभी तक राजस्थान का सबसे बड़ा चार्जिंग पॉइंट है, जहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो सकते हैं। इसी वजह से यहां पर दोपहिया चालक, ई रिक्शा चालक और ई कार चलाने वाले लोग कुछ मिनटों में चार्ज कर लेते हैं। यहां एक सेल्फ सर्विस सिस्टम ऑनलाइन भी डेवलप किया गया है। बाहर निकलना होता है और घर पे कम चार्ज हुई है तो यहां आए इंस्टेंटली हमारे को आधा घंटे में चार्ज होके हमारा पूरा मतलब हम आराम से 250 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे चार्ज लगाऊँ करीबन 60-70 किलोमीटर चल जाएगा इस शाम में। अगर जैसे बैठ के तो घर जाने के चार्ज करने के लिए घर जाना पड़ता है, यहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ये फायदा हो गया। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा रियायत दी जा रही है, जिसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन के रूप में लिए जाने वाले शुल्क को माफ किया गया है।
इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार रियायती दर पर बिजली भी दे रही है। हाल निजी क्षेत्र की संस्थाएं इस मामले में आगे आई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सरकारी संस्थाएं भी कई जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगाने की प्लानिंग में जुटी है। ऐसे में वाहन चालकों को खासी राहत मिल सकेगी कि जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मुहैया हो सकेंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज जयपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी और सीबीआई दोनों केस में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि 18 महीने से ज्यादा समय से जेल में है मनीष सिसोदिया और शराब घोटाले केस में आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केस ईडी और सीबीआई के केस से जमानत दे दी है। 18 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है जब मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और ट्रायल में होने वाली देरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को किया था गिरफ्तार, जबकि आपको बताएं ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। और साथ ही साथ आपको जानकारी दें कि सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है राहत, मिल चुकी है जमानत। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास सारथी, 18 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को मिली आखिरकार राहत, जमानत मिल चुकी है। हालांकि कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। कितनी बड़ी खबर है ये, और आगे मनीष सिसोदिया के लिए रहा कितनी मुश्किल और आसान? देखिए, कोर्ट ने कुछ इन बातों को ध्यान में रखा कि ट्रायल में देरी होगी, क्योंकि जो मुख्य आधार था मनीष सिसोदिया का, वो जमानत के लिए जब निचली अदालत और पहले हाईकोर्ट और उसके बाद आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दो बार आया। फर्स्ट जो ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया दोबारा अपना मुद्दा रिवाइव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने इस ऑब्जर्वेशन पर गौर नहीं किया, ना निचली अदालत ने ना हाई कोर्ट ने, क्योंकि लगभग 17 महीने हो चुके हैं उनको न्यायिक हिरासत में, और इसीलिए अभी जब ट्रायल शुरू भी हो जाता है अगर जल्द से जल्द, तो ये मान के चलते हैं कि 7 महीने से पहले उसका निपटारा संभव नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम जो बात कहते हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, वो मानना हमको अपने आदेशों में भी दिखना चाहिए। जब मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में है, चार्जशीट सब उनके खिलाफ दाखिल हो चुकी हैं, और दूसरी बात कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया या अन्य आरोपियों को ईडी जिम्मेदार बता रहा था, वो भी तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो डॉक्यूमेंट मांगे थे, जो एप्लीकेशन लगाई थी ईडी और सीबीआई केस में, वो ऐसी नहीं थी कि उन्हें फ्रिवलस कहा जा सके। उनमें ग्राउंड्स थे, उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो भी उनकी मांगे थी उनमें कुछ तथ्य कोर्ट को दिखे। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के कारण ट्रायल में देरी नहीं हुई है। ये ट्रायल में देरी आप प्रोसेस की वजह से कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया में ही समय लगता है, ऐसे में ये बेहतर होगा कि अब उनको जमानत दे दी जाए दोनों मामलों में। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें हफ्ते में दो बार उनको जो जांच अधिकारी हैं इस मामले के उनके सामने जाना होगा। दूसरा, जो कि आम कोर्ट आमतौर पर कहता है कि वो किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे, गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह की जो सामान्य शर्तें हैं वो तो हैं ही, लेकिन कुल मिलाकर कोर्ट को ये लगता है कि ट्रायल में अभी देरी होगी, और इसी के चलते क्योंकि मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल से न्यायिक हिरासत में है, उनको जमानत देना उचित है। ये लॉन्ग इनकैप्सुलेशन जो कोर्ट ने कहा कि किसी भी अक्यूज का है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कोर्ट को इस तरह के मामलों में कोई फैसला देते समय। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो पीएमएलए की शर्तें हैं, जो काफ़ी कड़ी शर्तें हैं जमानत के प्रावधानों की, वो इन सारे ग्राउंड्स के चलते हम उसको उतना स्ट्रांग नहीं मानते, उतना मजबूत नहीं मानते, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को वो दोनों मामलों में जमानत दे रहे हैं। तो विकास, क्या ये माना जाए कि अब क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, तो जेल से उनकी रिहाई संभव है अब?
हाँ बिल्कुल, उनकी रिहाई अब संभव है। हालांकि कुछ औपचारिकताएं होती हैं, निचली अदालत में आदेश की कॉपी जाती है, जैसे आपने बताया कि जो बेल की कंडीशन है, इन सब को लेकर के, इन सब के फुलफिलमेंट में, इनको पूरा करने में जो भी समय लगता है, प्रक्रियागत समय जो लगता है, यानी आदेश की कॉपी जेल प्रशासन के पास पहुंचेगी, निचली अदालत जो कंसर्न कोर्ट है, विशेष अदालत सीबीआई की और ईडी की, वहां पे पहुंचेगी। तो ये जो प्रक्रिया में जो समय लगने की बात है वही है। उम्मीद ये की जाती है कि आज नहीं तो अधिक से अधिक कल तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे, और कोई रुकावट इसलिए नहीं दिखती क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से उनको ये राहत मिली है, इसलिए इसमें किसी रुकावट की कोई वजह नहीं दिखती कि कोई अपील में मामला जाएगा और उस पर स्टे होने की कोई बात हो। इसीलिए ये स्पष्ट है कि वो जेल से बाहर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? आज पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो आज भी आ सकते हैं, नहीं तो कल तक उनकी जेल से रिहाई पूरी तरह संभव। जी, साथ ही विकास आपसे भी पूछना चाहेंगे, चूंकि ये मामला तो चल रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कविता साथ ही बहुत अन्य लोग जो है वो अभी जेल में बंद हैं और उन पर मामला चल रहा है, ऐसे में मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद भी उन्हें कानूनी कार्यवाही से तो गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, इसीलिए जो जिस ग्राउंड पर कोर्ट ने उनके साथ रियायत बरती है, इस आधार पर तो अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की राहत मिलना संभव नहीं दिखता है। उनके ग्राउंड्स भी कुछ अलग हैं, उन्होंने पूरी गिरफ्तारी की वैधानिकता को भी चुनौती दी हुई है और उसमें भी सुनवाई जारी है लगातार। हाईकोर्ट ने उनके मामले को सुना, उसने आदेश सुरक्षित रखा, उसके बाद उसको अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने क्वैश भी किया उनकी याचिका को, तो वो सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचेंगे और वो बेल के लिए अपनी अपील दाखिल करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में ये कोर्ट ने नोट किया कि लगभग वो 1.5 साल से ज़्यादा समय तक बाहर रह चुके हैं और जांच से जुड़ी जो भी प्रक्रिया थी, जो भी प्रोसीजर था, वो पूरा हो चुका है क्योंकि इसमें 8 चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं और खुद ईडी ने कहा था कि ये आखिरी चार्जशीट होगी, 8वीं जो फाइल कर रहे हैं। इसीलिए इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी। जी विकास, आगे की राह किस तरीके से रहेगी मनीष सिसोदिया की, और साथ ही साथ अगर सवालों के घेरे में अभी भी मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं हैं? देखिए, अब उनको ट्रायल का सामना करना है, ये जो राहत है ये इस लिहाज से कोर्ट ने दी है कि ट्रायल में देरी होगी तो ट्रायल तो जब होगा तो उनके उनके ऊपर ये जवाब कहें कि मुश्किलें या जो भी दिक्कतें हैं उनकी वो खत्म नहीं हुई, आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी दिक्कतें खत्म हो गई हैं क्योंकि अब उनको ट्रायल फेस करना है। अगर वो ट्रायल में दोषी पाए गए तो उनको सजा भुगतनी होगी, ट्रायल में वो कन्विक्शन होगा या वो एक्विट होंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन कोई उनके लिए एक ये फाइनल रिलीफ आप ये कहें कि अंतिम तौर पर वो इस मामले से निकल गए बाहर वो नहीं है। हालांकि क्योंकि जब वो लंबे समय से जेल में है तो जेल से बाहर आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत होती है। ठीक विकास, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।